नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशनल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और बायोग्राफी एक्सप्रेस में आज हम लेकर आए हैं यूक्लिड, जो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनके बारे में, उनकी क्या जीवन रही है और उन्होंने मैथ में क्या क्या अपना योगदान दिया है। तो आइए चलते हैं उनके जीवन के तरफ। यूक्लिड के जन्म स्थान व जन्म तिथि के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है, फिर भी अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व सिकंदरिया में हुआ था। यूक्लिड के विषय में ऐसा सुना जाता है कि उन्होंने गणित की शिक्षा प्लेटो की प्रसिद्ध अकादमी से प्राप्त की थी। राजनैतिक उथल पुथल के कारण वे सिकंदरिया चले गए। यहाँ पर सिकंदरिया के शासक यलमी की ओर से उन्हें विशेष सम्मान मिला था। जो यलमी था वह भी गणित का एक महान विद्वान था। यहीं पर उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की और ज्यामिति पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ स्टोइकेया की रचना की। ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व ज्यामिति से संबंधित जो भी सामग्री उपलब्ध थी उसे यूक्लिड ने एकत्रित करते हुए व्यवस्थित ढंग से रूप देते हुए एक विशाल ग्रंथ की रचना या प्रस्तुति की थी। यह ग्रंथ यूनानी भाषा में लिखा गया था। इसकी 13 पुस्तकें या अध्याय थे। 12वीं शताब्दी में इसका अनुवाद लैटिन भाषा में किया गया और इसका नाम स्टोइकेया से बदलकर एलिमेंट्स रख दिया गया। अपने एलिमेंट्स में यूक्लिड ने ज्यामिति के आधारभूत सिद्धांतों तथा साध्यों की बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से पूर्व जानकारी देने की चेष्टा की है। उनके इस कार्य का मूल्य इसी से आंका जा सकता है कि बाइबिल के बाद दुनिया की यह दूसरी पुस्तक थी जिसकी इतनी अधिक प्रतियां बिकी और दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में इसके अनुवाद छपे थे। इनकी मृत्यु 285 ईसा पूर्व में मानी जाती है। गणित में इनके क्या क्या योगदान थे अब देखते हैं। आज के संसार में इन्हें ज्यामिति के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने गणित के क्षेत्र में यूक्लिडियन ज्योमेट्री के नाम से एक दिव्य ज्योति को प्रज्वलित किया था। इस महान गणितज्ञ का योगदान सिर्फ ज्यामिति में ही नहीं अपितु प्रकाशिकी, विभाजन सिद्धांत आदि में भी किया था। इसके अलावा यूक्लिड ने कुछ अन्य क्षेत्रों में भी अपना योगदान दिया था, जैसे किसी कोण को 3 बराबर भागों में बांटना, किसी घन या क्यूब को 2 गुना करके दिखाना, किसी वृत्त का वर्गीय रूप प्राप्त करना। यूक्लिड ने पाइथागोरस द्वारा हल होने वाली अपरिमेय संख्याओं से संबंधित एक पुरानी समस्या को भी हल करने में सफलता प्राप्त की थी। संख्या पद्धति के क्षेत्र में अपने समय के और गणितज्ञों की तरह यूक्लिड ने भी कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं इसका पता लगाने के लिए एक टेस्ट तैयार करने का भी प्रयास किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूक्लिड ने अपनी प्रतिभा का उपयोग गणित के अन्य क्षेत्रों में भी किया, परंतु जितना लगाव उसे ज्यामिति से था और ज्यामिति के प्रमेयों को हल करने में था उतना लगाव किसी अन्य टॉपिक या अन्य विषय में नहीं था। तो दोस्तों, ये रही महान गणितज्ञ यूक्लिड की जीवनी और उनका मैथ में योगदान। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।